गाइस, आज हम बताने वाले हैं कि YouTube पर आप व्यूज कैसे ग्रो कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग वाली चीज। वाह, मजा आ गया। अगर पता चल जाए कि व्यूज आखिर में YouTube पर कैसे बढ़ा सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। YouTube पर व्यूज कैसे बढ़ाए, टाइटल या थंबनेल यही है हमारा। अब आपने तो देख लिया होगा टाइटल या थंबनेल कि YouTube पर व्यूज कैसे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बताने वाले हैं कि एक विशेष टॉपिक पर आप YouTube व्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं। और आप 1000 सब्सक्रिप्शंस व्यूज 4000 फर्स्ट टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी पूरा कर अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपका चैनल पर व्यूज आने लगेंगे और आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ भाई, ग्रो करेगा। कीवर्ड रिसर्च, पहला जो हमारा स्टेप है कीवर्ड रिसर्च। दोस्तों ये एक खास टिप है, आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, सबसे पहले आप उस टॉपिक के बारे में, उस कीवर्ड के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करें कि कितना उस पर मंथली ट्रैफिक है, कितने विजिटर्स हैं, उस कीवर्ड को सर्च करें और उस कीवर्ड पर कितना कंपटीशन चल रहा है, ये रिसर्च आप करें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और नॉलेज भी। तो दूसरी बात है कि रेगुलरिटी आप में रहनी चाहिए, यानी रेगुलर आपको आना चाहिए। हर दिन एक वीडियो दो वीडियो आपको डाल देना चाहिए, जिससे जो आपके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, आपको देखते रहें। दोस्तों आप अपने चैनल पर रेगुलरिटी बनाए रखें, उस पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहें। आप में से कुछ लोग अपने चैनल पर रेगुलर नहीं रह पाते, वीडियो अपलोड नहीं कर पाते और वह रेगुलर नहीं आने के कारण उसके फैंस फॉलोअर्स भड़क जाते हैं। बात सही है, आप भी ऐसे होते हैं। अगर हम वीडियो हर दिन ना डालें तो आप कहेंगे नहीं कि यार ये वीडियो हर दिन नहीं डालता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं छोड़ देता हूँ इसे। कुछ लोग अपने चैनल पर रेगुलरिटी नहीं दे पाते और वह रेगुलर वीडियोस नहीं डालते, उनकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आते, ना ही उनकी वीडियो रैंक कर पाती है। तो आप लगातार मेहनत करते रहें, रेगुलर वीडियोस अपलोड करें, जिससे आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ेंगे और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आता है आपका कंटेंट, कि थंबनेल और टाइटल कैसा डालें। मैं सीधे कैमरा की तरफ देख रहा हूँ तो कुछ अजीब सा नहीं हो रहा है, बता नहीं सकते। कैमरा सीधे जो मेरा पॉइंट है कैमरा पे फोकस है। अब देखते हैं यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। थंबनेल यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उदाहरण, जिस तरह की दुकान का बैनर अच्छा है, सही तरीके से मेंटेन होता है, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसी तरह थंबनेल आपका बैनर है, एक प्रकार से वीडियो को और उसके अंदर के कंटेंट को दर्शाता है। अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा तो आप इस चीज़ पर जरूर ध्यान दें और अपने टाइटल को भी अच्छे से लिखें और एक आर्टिकल की तरह लिखें। जैसे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जब हम कोई पोस्टर अपनी दुकान के लिए, शॉप के लिए बनवाने जाते हैं तो बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत सोचते हैं कैसा टाइटल बनाएं, कैसा हम अपना साइबर कैफे का नाम रखें, कैसा हम अपना दुकान का नाम रखें। वैसे ही आपको इस पर भी टाइम देना होगा कि कैसा थंबनेल हम बनाएं कि लोग इस पर टच करें, जैसे टच करें अंदर जाते ही फारू सा वीडियो मिलना चाहिए भाई, तभी देखेंगे। डिस्क्रिप्शन आता है अगला। कुछ लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, ये तो सबसे गलत बात हो गई यार। इससे उनकी वीडियो रैंक नहीं कर पाती और वीडियो पर व्यूज नहीं आते। तो आप अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर लिखें और कम से कम 500 वर्ड से अधिक लिखें। आप अपनी वीडियो में जो कुछ जानकारी लोगों को देना चाहते हैं उनकी कुछ लाइन्स अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखें, इससे आपकी वीडियो जल्दी रैंक करने लगेगी और व्यूज भी बढ़ेंगे। तो बात यहाँ पे ये होती है, जैसे मैंने ये वीडियो बताया, अब इसमें मैंने 5 चीज़ आपको बताया कि
कंटेंट कैसा है, डिस्क्रिप्शन कैसा है, साथ में थंबनेल और टाइटल कैसा है, रेगुलरिटी कैसा है, कीवर्ड्स रिसर्च। तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ बता रहा हूँ, तो मैं इसमें बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताने वाले हैं, फिर रेगुलरिटी के बारे में बताने वाले हैं, फिर थंबनेल और टाइटल्स के बारे में बताने वाले हैं, फिर डिस्क्रिप्शन के बारे में बताने वाले हैं, फिर कंटेंट के बारे में बताने वाले हैं। तो अगला हमारा कंटेंट ही है, बाकी सब तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, आप उससे पहले उस टॉपिक को खुद ढंग से समझें, 3-4 नहीं 10 वीडियो आप यूट्यूब पर देखें, क्योंकि आपसे बेहतर बेहतर लोग वहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो डाल चुके हैं ना। हम सब तो गरीब हैं भाई, अभी छोटे यूट्यूबर्स हैं, बड़े होने में टाइम लगेगा, इसलिए हमको बहुत सारा वीडियो देखना होगा और उनसे ऐसा वीडियो बनाना होगा, इतना फालतू वीडियो बनाना होगा कि जो भी लोग हैं उनका वीडियो ना देख करके हमारा वीडियो देखें, क्या हमारा वीडियो देखें, प्लीज़ बात कर। सो आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, आप उससे पहले उस टॉपिक को खुद ढंग से समझें, फिर अपनी वीडियो में लोगों को बताएं और इसके तरीके से बताएं, इस तरीके से बताएं कि लोगों को वह समझ में आए और लोग आकर के आपके कंटेंट को वॉच करें और आपकी वीडियो को पूरा देखें, जिससे वॉच टाइम भी बढ़ेगा और व्यूज भी बढ़ेंगे और सब्सक्रिप्शन भी बढ़ेंगे, साथ ही यूट्यूब आपको प्रमोट करेगा चैनल को रैंक करने के लिए कि आपका वीडियो अच्छा है, आपको लोग पूरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मैं आपका वीडियो को यहाँ पे दूसरे भी बंदे के पास मैं भेजूँगा और रैंक करवाऊँगा, अगर वहाँ पर भी देखें तो और आगे मैं आपका वीडियो को भेजूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको जानकारी फुल लगी हो, अच्छा लगा हो और आप हमारे वीडियो से बहुत खुश हुई हो, और जानकारी तो अच्छी लगी ही होगी। अगर नीचे जो रेड कलर का बटन अभी भी आपको नज़र आ रहा है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, रेड से वो क्या कहते हैं, वो मिट्टी की तरह जो कलर आता है, क्या भूल गया, चलो छोड़ो, वो कलर में बदल जाएगा, सॉइल कलर में लगभग, तो उस पर क्लिक कर दीजिए, बगल में बेल आइकन का निशान आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, और हमारे वीडियो को तो लाइक करना बनता है, लाइक कीजिए भाई, लाइक लाइक एक लाइक करके ही जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले टॉपिक मतलब कि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि सब्सक्राइबर को कैसे गेन कर सकते हैं, सिर्फ उसमें एक ही कंटेंट रहेगा कि सब्सक्राइबर को आपको गेन कैसे करना है, कैसे गेन कर सकते हैं, मैं यही बताने वाला हूँ। तो जल्दी से फटाक से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या कीवर्ड्स इसमें बताया हूँ, कि कीवर्ड्स कैसे लगाएं, रेगुलरिटी कैसे दिखाएं, और थंबनेल और टाइटल कैसे लगाएं, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाएं और कंटेंट कैसा बनाएं। ओके गाइस, बाय बाय।